दोस्तों रिसेंट पे जो है एक न्यू अपडेट आ चुकी है दोस्तों, और ये वाली अपडेट जो है अगर आप इस अपडेट के बारे में आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस अपडेट को अगर आप नहीं जानोगे तो आपको यहाँ पर रिसेंट में जो है लॉस हो सकता है। जो लोग रिसेंट के न्यू यूजर्स हैं, जो लोग रिसेंट अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी ये अपडेट उनके लिए भी है, और जो लोग रिसेंट के ओल्ड यूजर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि उनको ये अपडेट मतलब कि जान लेना ही चाहिए, नहीं तो उनका जो है रिसेंट में लॉस हो सकता है। तो दोनों यूजर्स के लिए अपडेट है, तो मैं वीडियो में आगे यहाँ पर मैं सारी की सारी क्लियर यहाँ पर मैं जो है आपको पूरी की पूरी अपडेट देने वाला हूँ, क्या रिसेंट ने अपने जो है अपने साइट में चेंज करा है और कौन सी जो है न्यू अपडेट है जो कि आप लोग को जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप करते हुए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ, इससे आपको यहाँ पर अर्निंग रुक भी सकती है, तो इसलिए अपडेट को जान लेना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो लोग रिसेंट के यूजर्स हैं, यहाँ पर आप जब रिसेंट पे आप जब लॉग इन करते हो तो यहाँ पर आपको इनका टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी आप इनका मतलब कि आपको यहाँ पर जो है रिसेंट में लॉग इन आप नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, तो इनका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी अपने नए अपडेट की जानकारी हमें टेलीग्राम पे दे देते हैं। तो अगर आप इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने अभी तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप लोग को रिसेंट में जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, वो है कि रिसेंट की जो साइट है, ठीक है, वो अभी लॉग इन नहीं हो रही होगी। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि रिसेंट की जो साइट है वो लॉग इन नहीं हो रही है, हम अपना अकाउंट कैसे लॉग इन करें। तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि रिसेंट के जो पुराना डोमेन था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिसेंट की जो साइट है, सबसे पहले रिसेंट का जो ये था rechin.in, आप यहाँ पर देख सकते हो रिसेंट का जो वेब एड्रेस था वो था rechin.in, जो कि रिसेंट वालों ने चेंज कर दिया है। अब रिसेंट की न्यू डोमेन आ चुकी है, तो अगर आप जो है इस पुराने वाले डोमेन से लॉग इन करने जाओगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो रिसेंट का जो नया डोमेन है उसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल के रखी थी, तो अगर जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको इसके बारे में पहले पता चल गई होगी। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लेना। देखो यहाँ पर मैंने अपना पोस्ट डाल के रखा था कि रिसेंट की जो नए साइट है rechin.org के नाम से अभी आई है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका रेफरल लिंक भी ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो जो लोग जो है आपको यहाँ पर जो अगर रिसेंट में लॉग इन नहीं कर पा रहे हो तो आपको इस वाली नए वाली जो वेबसाइट का एड्रेस है इससे आपको रिसेंट में आपका अकाउंट यहाँ पर लॉग इन होगा और रिसेंट यहीं से आपको ओपन होने वाली है। इसकी जानकारी रिसेंट ने जो है अपने जो है रिसेंट की ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी रिसेंट वालों ने यहाँ पर दे दी थी। तो अगर आप उनके भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो आप उनके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। यहाँ पर देखो रिसेंट ने अपना जो है यहाँ पर दे दिया था कि उनका जो है नया जो डोमेन है वो लाइव है, तो आप यहाँ पर से उनका जो है नया डोमेन के बारे में भी उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट डाल दिया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ रिसेंट के ऑफिशियल साइट से यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जो है रिसेंट का ऑफिशियल जो मतलब वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है, और जिन लोगों का अकाउंट नहीं लॉग इन हो रहा है आप यहाँ पर से लॉग इन अपना कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो। रिसेंट की जो साइट है यहाँ पर से आपको जो है सब कुछ कुछ और चेंजेस नहीं आई है, सिंपली आपको अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड से यहाँ पर अपने अकाउंट में कर लेना है लॉगिन, ठीक है। और सेकंड जो नई अपडेट है वो है कि यहाँ पर रिसेंट वालों ने, चूंकि यहाँ पर साइट की जो वेब डोमेन है वो चेंज हुई है, तो आप रेफरल लिंक भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर rechin.org आ जाएगी, पहले इन था अभी org है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना कि किसी को अगर आप रेफरल लिंक शेयर करो या जहां जहां आपने रेफरल लिंक डाला हुआ है वहां पर से अपना रेफरल लिंक जरूर चेंज कर लेना, क्योंकि वो पुरानी वाली वर्क नहीं करने वाली है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर आपको यहाँ से आपको लॉस भी हो सकता है, कोई पुराने वाले लिंक पे क्लिक करेगा उसका यहाँ पर काम करेगा ही नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या आप अपना रेफरल कोड जरूर उनको दे देना, क्योंकि रेफरल कोड चेंज नहीं हुआ है, रेफरल लिंक से उसका कोई जो है यहाँ पर लेना देना नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर देखो रिसेंट के आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि रिसेंट का जो भी ग्रुप है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जो भी इनका इंस्टाग्राम चैनल हो गया, ये आपको ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि नए नए जो ट्रेनिंग के लिंक आते हैं वो आपको रिसेंट में देखने को मिल जाएंगे। तो ट्रेनिंग में ज्वाइन करते रहोगे जिसमें आपको रिसेंट बहुत सारे नए नए चीजों के बारे में सिखाते रहता है, तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होते रहेगा, जिन लोगों को खास करके अर्निंग नहीं होती है रिसेंट के थ्रू। तो ये आप लोग यहाँ पर से इनके जो भी ग्रुप्स हैं ऑफिशियल उनको फॉलो और ज्वाइन जरूर कर लेना। हाँ, कि एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि देखो आज की मैंने यहाँ पर जो मैं अपना आपको अर्निंग दिखाता हूँ रिसेंट की तरफ से होगी 850 आपको टुडे अर्निंग दिख रही होगी। तो ये दिखाने का मेरा मतलब ये है कि जिन लोगों की रिसेंट पे से अर्निंग नहीं हो रही है वो भी यहाँ पर से आप रिसेंट पे से अर्निंग कर पा रहे होंगे ना, कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर लीड जनरेशन आपका नहीं हो रहा, आप लीड्स नहीं ला पा रहे हो। रिसेंट पे अर्निंग करने का, एफिलिएट मार्केटिंग पे अर्न करने का यही है कि आप यहाँ पर से लीड्स नहीं ला पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ऐप लगाकर आपको मैं लीड्स जनरेट करके दे सकता हूँ। जो भी यहाँ पर जो है यूजर्स चाहते हैं कि उनको लीड्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर आपके आपके लिए ऐप्स लगाऊंगा एंड आपको मैं यहाँ पर लीड्स देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना तो मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा कितने में आपको कितना यहाँ पर लगने वाला है। जैसे देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक बंदे का ऐड्स लगाया था 29 में, उसको 65 यहाँ पर मतलब लीड्स मिली है। ये एबी का ऐड है, यहाँ पर देख सकते हो 29 में
लगभग लगभग उसको 65 लीड्स मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने कम पैसे में कितना ज्यादा उनको लीड जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको लीड्स चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज करना, मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा कि कितने पे आपको एक दिन का, 15 दिन का, जितना भी दिन का आपको लीड्स एड्स लगाना हो तो आप यहाँ पर मैं आपको लगा दूंगा, ताकि आपको भी लीड्स की कमी ना हो और उन लीड्स के जरिए आप भी यहाँ पर से इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर सको। तो जो तरीका मैं यूज करता हूँ वो ताकि आप भी यहाँ पर जो है यूज कर सकते हो। तो बाकी यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ऐड लगाने से पहले ये एड्स आप फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप लगा सकते हो। तो अगर आप फेसबुक का यहाँ पर आप फेसबुक पर ऐड लगाओगे तो उसके लिए आपको फेसबुक की आईडी और पासवर्ड मुझे शेयर करना होगा। तो बहुत लोग को ये सोच में रहेगा कि फेसबुक की आईडी पासवर्ड दूंगा कुछ ये छेड़छाड़ ना करें, तो वो ऐसा नहीं है। मैं आपकी फेसबुक और आईडी का जो पासवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एड्स लगाने के लिए लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अगर आपको एड्स लगाना है, रीचिंग से अर्न करना है, तो आपको यहाँ पर जो है इसके लिए आप जो है मुझे कॉन्टेक्ट करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड वहां पर से आप मुझे मैसेज कर लेना पर्सनली, मैं आपको वहां पर से आपके लिए एड्स लगा दूंगा जहां से आप लीड्स निकाल के अर्न कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लिंक कमेंट सकते हैं जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मेरे किसी नए वीडियो में किसी बाय, टेक केयर।